Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all an another poem of class 10th English book first flight. The title of the poem is Animals. This poem is written by Walt Whitman. Actually, Walt Whitman is a major figure in early American poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. मतलब जो free verse में लिखी है, इसमें कोई लयबद्धता नहीं है. The poem Animals is from his work Song of Myself in the Leaves of Grass. ये इनकी जो poem थी Song of Myself Leaves in the Grass से ली गई है. तो आइए अब हम poem को start करने से पहले थोड़ा सा उसका introduction ले लेते हैं कि इस chapter में, इस poem में poet क्या कहना चाह रहे हैं. तो वॉल्ट विटमैन जो है यहाँ पे comparison कर रहे हैं इस poem में human beings में और animals में, और वो point out कर रहे हैं, वो point करके बोल रहे हैं कि जो इविल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के ब्रेन में जो बुराइयां पैदा हैं और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये बुराइयां नहीं होती हैं. दिस को ये लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बेटर कंडीशन में है या बेटर हैं. तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस. पोएट कहते हैं कि वो जब एनिमल्स के साथ रहते हैं तो वो ज़्यादा अपना होम जैसा प्रतीत करते हैं, फील करते हैं, मतलब उनको अपनापन लगता है वहाँ पे. इन कंपैरिजन टू किसके, ह्यूमन बींग्स के. क्यों? क्योंकि जब वो एनिमल्स के साथ रहते हैं उन्हें अच्छा लगता है, और जब वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं पोएट, तो वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, फेक, मतलब जटिल टाइप के लोगों को, अनरियल लोगों के साथ, फेक लोगों के साथ रहते हैं, मतलब जो अब जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं. तो आइए अब देखते हैं पोएम में कि पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, कि मैं मुड़ जाऊँ. पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं मुड़ जाऊँ एंड लिव विद एनिमल्स, और क्या करूँ, जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ रहूँ. दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत ही शांत हैं. प्लेसिड मीन्स शांत, एंड सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट मीन्स होता है आत्मनिहित होना, अपने आप में ही सेंटर्ड रहना. ठीक है, तो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन से गुण हैं, कि वो शांत हैं और आत्मनिहित हैं, वो अपने आप में ही सीमित रहते हैं, वो दूसरों में इंटरफेयर नहीं करते हैं. तो पोएट कहता है कि मैं एनिमल्स के साथ जा कर के रहूँ, उनको एनिमल्स की ये जो क्वालिटी है कि वो शांत है और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, ये पोएट को पसंद आ रही है. इसलिए पोएट ये चाहते हैं कि वो जा कर के एनिमल्स के साथ में रहें, ह्यूमन बींग्स के साथ में ना रहें. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. फिर पोएट कहते हैं कि मैं आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ एट देम. एट देम इज एनिमल्स को कई बार, लंबे लंबे समय तक, काफ़ी लंबे लंबे समय तक मैं खड़े होकर के इन एनिमल्स को देखता रहता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. और पोएट कहते हैं कि उन्होंने ये फील किया है, जब काफ़ी लंबे समय तक वो पोएट एनिमल्स को देखते हैं तो वो ये एनालिसिस कर पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं वे कोई चिंता या कोई शिकायत नहीं करते अपनी स्थिति के बारे में. और हम ह्यूमन बींग्स में क्या देखते हैं कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये और हो जाता तो अच्छा रहता, और या तो चिंतित रहते, परेशान रहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए. लेकिन एनिमल्स में ऐसे कोई भी गुण नहीं है. तो पोएट कहता है ये कंडीशन जो एनिमल्स की है ये ह्यूमन बींग्स में होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है, लेकिन एनिमल्स के पास ये गुण ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. फिर पोएट कहता है कि they do not lie awake. जो एनिमल्स होते हैं वो रात को जगे या सोते नहीं रहते हैं, रोते नहीं रहते हैं अपने पापों को सोच सोच कर. ह्यूमन बींग्स में क्या है, हम जो दिन भर की कार्य होते हैं, जो दिन भर की दिनचर्या बिताते हैं, फिर रात में जब बिस्तर पर जाते हैं, अगर कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो उसको सोच सोच करके खुश होते हैं या परेशान होते हैं कुछ गलत किया रहता है तो, और उसको देख करके क्राई करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों हो गया. लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. एनिमल्स का जो दिनचर्या बीत जाता है वो बीत जाता है, वो के बाद में रात को जग करके या सो करके आधा परेशान नहीं होते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग their duty to God. फिर poet कहते हैं they do not, मतलब जो animals हैं वो poet को sick नहीं करते हैं क्या discuss करने में, ये नहीं करते हैं एक दूसरे से बात कि हमने भगवान के प्रति, मेरी ये duty थी, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं किया. तो poet कहते हैं कि इंसानों की इस complaining आदत से कि वो हमेशा कहते हैं कि मुझे ऐसा करना था, मैं ये नहीं कर पाया, तो poet के अंदर घृणा होती है. poet कहता है कि मुझे घृणा होती है उन इंसानों से जो हमेशा कहते हैं कि मुझे ये करना था और मैं कर नहीं पाया.
आपने जो कर दिया पोएट कहते हैं, जो आपने किया वो किया, वो ख़त्म हो गई बात, उसको ले करके आप परेशान रहें या अगले को बार बार बताएं, तो इससे एक घृणा की दृष्टि, एक नफ़रत की बातें होती हैं। तो बच्चों आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब हमसे कोई हमेशा कंप्लेन करता रहता है तो पहली बार हम कंप्लेन सुन लेते हैं, ठीक लगता है, लेकिन वही इंसान अगर बार बार कंप्लेन करने लगता है तो हम उससे भागने लगते हैं। तो पोएट कहता है कि एनिमल्स में ये गुण नहीं होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स में ये गुण होते हैं कि वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मेरी भगवान के प्रति ये जो ड्यूटी थी वो मैंने किया और ये नहीं किया, उसको लेकर परेशान रहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। फिर पोएट कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, असंतुष्ट नहीं होते। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना ही कभी कोई जानवर जो है पागल होता है या पागलपन उसके ऊपर सवार हो जाता है सामान को पाने के लिए, और चीज़ें और चीज़ें। आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जानवर जो शेफर्ड होता है वो अपनी भेड़ों को जब लेकर के जाता है तो आपने देखा होगा, या फिर कोई भी जब अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर के जाता है तो कभी किसी जानवर को लड़ते हुए देखा है कि ये एरिया मेरा है, मुझे यहाँ पे घास खाना है, तुम मेरे एरिया में मत आओ। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है, इंसान थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और सामानों के लिए लड़ने लगता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। जानवरों में और ज़्यादा चीज़ों को पाने की उन्माद नहीं होता, उनमें पागलपन नहीं होता है। They are not having any such type of mania कि वो और चीज़ें पा जाएँ और चीज़ें पा जाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पोएट कहता है कि ये जो गुण हैं इन जानवरों में नहीं होते हैं, और किसी चीज़ों को पाने के लिए और ज़्यादा चीज़ प्राप्त करने के लिए वो पागलपंती नहीं करते हैं, लेकिन इंसान ऐसा करता है। Not one kneels to another, और ना ही कोई जानवर दूसरे जानवर के सामने झुकता है, घुटने टेकता है। Nor to his kind that lived thousands of years ago, और ना ही वो अपने जैसे एनिमल्स के सामने जो हजारों साल पहले आए थे उनके सामने झुकता है या उनको कुछ कहता है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और आपने पूरी पृथ्वी पे देखा होगा कि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, मतलब रिस्पेक्ट पाता हो या देता हो किसी को, और दुखी हो, मतलब अनहैप्पी हो, दुखी हो, खुद हो या दूसरों को करता होगा। वो कभी ऐसी कंप्लेंस नहीं करता। आप किसी भी, मतलब पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे आप कहीं पे भी जाकर के देख सकते हैं, सारे एनिमल्स एक जैसे ही होते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड होते, सेल्फ कंटेंड होते हैं और प्लेसिड होते हैं। दे ब्रिंग मी सॉरी सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। फिर पोएट यहाँ पे कहते हैं ये जो एनिमल्स हैं वो मुझसे संबंध दिखाते हैं, वो बताते हैं कि उनके जो क्वालिटीज़ हैं मुझसे मिल रही हैं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई एक्सेप्ट देम, मतलब और पोएट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो एनिमल्स हैं, पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो गुण हैं, टोकन्स जो हैं, यहाँ पे टोकन्स का मतलब है यहाँ पे क्वालिटीज़ जो हैं वो पोएट की खुद की क्वालिटीज़ हैं। मतलब पोएट भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो भी सेल्फ कंटेंटेड है, प्रेसिड है, ही इज़ नॉट रनिंग बिहाइंड द थिंग्स, ही इज़ नॉट रनिंग बिहाइंड ओइंग द थिंग्स, तो ओनिंग द थिंग्स वो चीज़ों को और नहीं पाना चाहता है। फिर पोएट कहते हैं जो एनिमल्स की क्वालिटी है वो खुद पोएट की क्वालिटीज़ हैं। दे इवेंट्स, वे प्रकट करते हैं, वे दिखाते हैं, इवेंट्स मिस होता है दिखाना या प्रकट करना, देम प्लेनली इन देयर पजेशंस, मतलब उनके पास जो चीज़ें हैं वो पूर्णतया वही दिखाते हैं जो हैं उनके पास, वो और चीज़ों के लिए परेशान नहीं होते हैं। आइए लास्ट में आते हैं। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य है, दे गेट दोज टोकन्स। फिर पोएट कहते हैं कि पोएट को आश्चर्य होता है कि ये सब चीज़ें उनके पास कैसे आई, मतलब ये पूरी चीज़ें जो पोएट बता रहे हैं कि एनिमल्स में जो क्वालिटीज़, अभी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की थी एनिमल्स की, कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं, वो सम्मान नहीं चाहते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो एनिमल्स में कहाँ से आई, वो पोएट को आश्चर्य होता है। फिर लास्ट लाइन में पोएट कहता है डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैं काफ़ी समय पहले उस जगह से गुजरा था, उस जगह से गुजरा था मतलब जहाँ पे ये सारे एनिमल्स थे, क्या मैं उस जगह से गुजरा था, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम, और परवाह किए बिना, मतलब लापरवाही से मैंने इन गुणों को उन एनिमल्स के पास गिरा दिया था, मतलब जो चीज़ मैंने गिरा दिया था बिना परवाह किए, क्या चीज़, जो टोकन्स है, जो गुण हैं,
कौन से गुण, जिन गुणों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया एनिमल्स के अंदर हैं, वो पोएट कहता है कि मैंने एनिमल्स के पास गिरा दिया था, इसलिए एनिमल्स ने उन गुणों को एडॉप्ट कर लिया और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं कर पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो पोएट ये कहते हैं कि जो चीज़ हम इंसानों में हैं वो आज जानवरों में है। जैसे वे शांत हैं, किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, सम्मान इकट्ठा करने के लिए परेशान नहीं होते हैं, सम्मान देने के लिए परेशान नहीं होते हैं, अपने कंडीशंस पे रोते नहीं हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ किसके अंदर होनी चाहिए थी? ह्यूमन बींग्स में। लेकिन आज हम ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर देखते हैं? इन एनिमल्स के अंदर देखते हैं। तो पोएट कहता है कि पोएट को ये ज़्यादा अच्छा फील होता है कि पोएट एनिमल्स के साथ रहे इंस्टीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई से स्टैंड हो रहा तो एनाफोरा है। उसके बाद भी नेक्स्ट थ्री लाइंस जो है वो दे से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें एनाफोरा देखने को मिल रहा है। फिर आइए, नॉट से स्टार्ट हो रहा है दो लाइन, तीन लाइन लगातार नॉट वन, तो यहाँ पे भी एनाफोरा है। और बच्चों यहाँ पे नॉट वन इज जो है, ये आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो कंप्लीट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन तक भी कंटिन्यू हो रहा है विदाउट पंक्चुएशन, तो यहाँ पे इंजामेंट भी देखने को मिलता है। रिपीटिशन है, आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसमें भी पोएट ने रिपीटिशन यूज़ किया है। इसके बाद हमें मेटाफर कई जगह देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्थ लाइन में, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो स्वेट और वाइन जो है यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है। और आप मेटाफर देख सकते हैं कई जगह पे, और यहाँ पे पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है टोकन्स में भी, जो टोकन्स है लास्ट फोर्थ लाइन में, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे गुड जो है, क्वालिटीज़ जो है, यहाँ पे पोएट ने एज अ मेटाफर यूज़ किया है। तो बच्चों ये इस पूरे पोएम का पोएटिक डिवाइस था। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई, और तो बच्चों इस पोएम को सुनने के लिए, ध्यान से समझने के लिए थैंक यू।